सुनील शर्मा जी जिहड़े साडे प्रदेश दे अध्यक्ष ने उन्हां ते कातल लामा हमला किया गया है जी। ये जिहड़ा हमला है कांग्रेस के गुंडिया ने करवाया है। अपनी अमन शांति जिहड़ी है कांग्रेस भंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा से हुए कातिलाना हमले खिलाफ फिरोजपुर बीजेपी इकाई वालों डीसी दफ्तर सामने रोष प्रदर्शन किया गया और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई करने की मांग की। कर रहे हैं जिहड़ा हमला होया सी की कहना अज का जिहड़ा रोष प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी जिला फिरोजपुर वालों कल अश्विनी शर्मा जी के जिहड़े साडे प्रदेश के अध्यक्ष ने उन्हां ते कातल लामा हमला किया गया है जी। उहदे रोस वजो असी कर रहे हैं ये जिहड़ा हमला है कांग्रेस के गुंडिया ने करवाया है। पंजाब की जिहड़ी स्थिति विगड़ रही है वो एक ध्यान पासे करन वास्ते ये जिहड़ा हमला करवाया गया है। उहदे रोस वजो असी जो अज फिरोजपुर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन सरकार जदों भी सत्ता के जदों आई है बड़े वादे किए रहे इन्होंने लेकिन कोई वादा जिहड़ा पूरा नहीं कर सकी और पंजाब की अमन शांति जिहड़ी है कांग्रेस भंग कर रही है। ये प्रदर्शन किया जा रहा है कल साढ़े पंजाब प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी उत्ते बड़े सोची समझी एक चाल पूरी आरंभ के उन्होंने कातलाना हमला किया है। अज असी उस हमले की निंदा करन वास्ते और सुती हुई कैप्टन सरकार नू जगाण वास्ते असी इस धरने का आयोजन किया है। अज कैप्टन साहब जो चुनावी मैनोफेस्टो के मुताबिक लोगों नू नौकरियां देन वास्ते नशा खत्म करने वास्ते और हर घर च मोबाइल देन वास्ते जो वादे करके आए थे वो किसी भी मुद्दे से ठहरे नहीं। 2022 दे चुनावों नू ध्यान च रखते हुए कैप्टन साहब अज किसानी मुद्दे उत्ते लोगों नू गुमराह करके अज पंजाब दी शांति नू भंग करन दा काम कर रहे हैं और फिर एक बार उस काले दौर विच ले जाण दी कोशिश कर रहे हैं जिहदे चों पंजाब बड़ी मुश्किल नाल निकलिया है। अज असी इस धरने राही कैप्टन साहब नूं यही मंग करदे हां कि जिहड़ा कातलाना हमला कांग्रेस दे गुंडिया ने कीता है जिदा पंजाब दे विच अमृतसर और लुधियाने दे विच बीजेपी दे दफ्तरां ते हमले होए है तुरंत और लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करन और उन्होंने बनती जो परचा बनता उन्होंने परचा देन नहीं तो लगातार धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। अज कोई कैप्टन का पुतला भी फूकना है नहीं अगला जो प्रोग्राम होएगा वो होएगा सिर्फ अज 2 बजे तो लैके 4 बजे तक जो सिर्फ प्रदर्शन ही है असं उही कर रहे हैं। भारत के लिए अमनदीप शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।